निफ्टी में बेयर्स का जोर अभी भी कायम नजर आता हुआ। निफ्टी अपने 200 डीएम में 23,565 से काफी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है और सबसे जरूरी बात यह कि अपने ऑल टाइम हाई से अब निफ्टी 10% नीचे आ चुका है। कृपया ध्यान दें कि हमारे स्टॉक मार्केट्स बुधवार 20 नवंबर को बंद रहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली पोल्स के चलते। इन दोनों राज्यों में वोटों की गिनती नवंबर 23 को होने वाली है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूले। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1403 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2331 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 15.16 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, बेयर्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक स्लगिश स्टार्ट की ओर इशारा करता हुआ जहां पे हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसे लग रहा है कि आज फिर से बेयर्स का पलड़ा भारी होता नजर आ सकता है। आज के अहम थीम्स इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, यूएस डॉलर इंडेक्स अपने 2 साल के सर्वोच्च स्तर पर व्यापार करता नजर आ रहा है 106.60 लेवल्स पर। दूसरा, पॉवेल ने यह कहा है कि फेडरल रिजर्व इतनी जल्दी रेट कट की दौड़ में नहीं है। तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $67.2 प्रति बैरल पर थोड़े ऊपर आते नजर आ रहे हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है। चौथा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक नवंबर महीने में कुल मिलाकर 30,937 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। संक्षेप में कहें तो निफ्टी में कमजोरी नजर आती हुई जहां पे बेयर्स और डाउनसाइड टारगेट्स को हंट करते नजर आ सकते हैं। आप टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,454, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,167 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,300 से 23,650 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,364, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,283 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,801 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,700 से 50,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल नेगेटिव। कल के व्यापार में निफ्टी में और गिरावट देखने को मिली और सबसे जरूरी बात यह कि निफ्टी लगातार 7वें दिन नेगेटिव बंद हुआ। निफ्टी अपने 200 डीएमए यानी कि 23,565 मार्क से काफी नीचे बंद हुआ है। अब सबका ध्यान महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले स्टेट असेंबली इलेक्शंस पर रहेगा जहां पे वोटों की गिनती नवंबर 23 को होने वाली है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो एनटीपीसी की होली ओन सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने आईपीओ के साथ आ रही है 19 नवंबर को। ये आईपीओ गुरुवार 21 नवंबर को बंद होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी तीसरा लार्जेस्ट आईपीओ है साल 2024 का, हंडे मोटर इंडिया और स्विगी के बाद का, जिसकी इश्यू साइज कुल मिलाकर ₹10,000 करोड़ की है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, खासकर की रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में वारी एनर्जीज के आईपीओ के सक्सेसफुल लिस्टिंग के बाद। दूसरा, नेशनल एल्यूमिनियम के शेयर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता के शेयर्स भी ऊपर बढ़ते नजर आए जब चाइना ने ये निर्णय लिया कि वे अपने टैक्स रिबेट को कैंसिल करने वाले हैं, जिसने काफी समय तक एक्सपोर्ट ड्रिवन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है। चाइना ने ऐसा तब किया जब एल्यूमिनियम प्राइसेस में पिछले शुक्रवार को शार्प रैली नजर आई लंदन मेटल एक्सचेंज पर। इस कदम के चलते चाइनीज एल्यूमिनियम अब्रॉड मिलना कम हो सकता है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,513, प्रीमियम प्लस 59, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, हीरो मोटोकॉर्प, पॉलीकैप, एमएनएम, जेएसडब्ल्यू स्टील। शॉर्ट कवरिंग में हिंडाल्को, वेदांता, क्रॉम्पटन, इंडिगो, एनएमडीसी। शॉर्ट बिल्डअप में आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, ओएफएसएस, ग्लेनमार्क। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिंजिन, गेल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ओबेरॉय रियल्टी, ग्रैन्यूल्स। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, एबीएफआरएल, जीएनएफसी, ग्रैन्यूल्स और हिंदुस्तान कॉपर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.